गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने उत्तर भारतीयों की गुजरात से पलायन को लेकर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। सही है कि कांग्रेस के विधायक ने ये सब एक सुआयोजित उनका षड्यंत्र साजिश थी कि चार राज्यों में चुनाव आ रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनका लोकार्पण हो रहा है, तब ये एकता अखंडितता खंडित हो इसका उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन उसको सरकार ने विफल बनाया। आज पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है और गुजरात में बसे हुए जितने नॉन गुजराती उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो, जिस तरीके से गुजरात की परंपरा रही है और दूध में साकर मिल जाती है, उसी तरीके से सब लोग वहाँ साथ में रह रहे हैं। गुजरात के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान भी है उनका और सरकार की ओर से उसी वक्त सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाए, सबकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की और करीब 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से 50 से ज्यादा लोग कांग्रेस के लोग निकले। सोशल मीडिया में जिन्होंने जो मिसशिप की थी, वैसे भी 60-70 लोगों को पकड़ा हुआ है, उसमें फिर ज्यादा लोग कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन सरकार ने ये सब विफल बनाया। गुजरात में पिछले कई दिनों से कोई घटना नहीं है और आज पूरा शांत सद्भावना के साथ गुजरात का जनजीवन सामान्य है और एक भी कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है और सबको पूरी सुरक्षा सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाकर लिया है। और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जितने गुजरात में नॉन गुजराती रह रहे हैं उन सब की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और हम सब उनमें कटिबद्ध है और पूरी सुरक्षा उनको मिल रही है, मिलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की भी बात नहीं है। आपने बताया कि विधायक पर पगला क्यों नहीं लिया, उसका हम लीगल, क्योंकि जो लोग ये सब करने के लिए निकले उनको हम सब ने अरेस्ट किया, उन पर कार्यवाही की। ये जो उन्होंने भाषण किए हैं उसका हम लीगली सब हमारा चल रहा है और उसमें से जो बातें आएगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और जरूर उसमें हम कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे, लेकिन ये पूरा विफल हुआ है। कांग्रेस का प्रयत्न था और वो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी है और बिहारी को निकालने की बात कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिर्फ ट्वीट करते हुए बात को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर कदम उठाना चाहिए, कांग्रेस उस पर पगला ले। ऐसी उस वक्त मैंने भी ट्वीट करके डिमांड की थी, उन्होंने ट्वीट किया, मैंने 3 ट्वीट और की थी, बताया था कि बार बार आप बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, सिर्फ एक ट्वीट से आप चुप हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि ये ठीक नहीं है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जो लोग गुजरात में बसे पर प्रांतीय लोगों पर ये सब कुछ कर रहा है उस पर कांग्रेस के लोगों पर भी पगला लेना चाहिए, ऐसी डिमांड मैंने की है, आज मैं वो भी पुनरुच्चार करता हूँ। सीएम विजय रूपानी गुजरात के कांग्रेस से विधायक अल्पेश ठाकुर के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर जिस तरह हिचकिचा रहे थे, उसे समझ में आता है कि बीजेपी भी राजनीति कर रही है। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर,
वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।